हमीरपुर नगर परिषद के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान आज दूसरे दिन 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मिनी सचिवालय में एसडीएम कार्यालय में डॉक्टर चिरंजीलाल चौहान के पास प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरने के लिए पहले से ही टोकन प्राप्त किए थे और नामांकन भरने से पहले प्रत्याशियों ने कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन किया और एसडीएम कार्यालय में केवल 5 लोगों के साथ ही प्रवेश किया। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 से चेतन दीप लखनपाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चेतन दीप लखनपाल ने कहा कि पिछले 10 सालों से पत्नी पार्षद के नाते वार्ड की सेवा करती रही हैं और इस बार मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर भरसक प्रयास किया जाएगा। शुभ नाम चेतन दीप लखनपाल, वार्ड नंबर 7, हाउस नंबर 1, नियर देवपाल चौक हमीरपुर। आज मैंने वार्ड नंबर 7 से नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं 20 चल रहे हैं उनके लिए मैंने पार्षद के लिए अपना आज नॉमिनेशन फाइल किया है और 10 वर्षों से मेरी धर्मपत्नी श्री मनोरमा लखनपाल यहाँ से पहले पार्षद थी। हमने जो लोगों के बीच में काम किए, लोगों का प्यार, स्नेह और हिम्मत हमें मिली है, उसके साथ साथ ही अब सीट खुली होने के बाद में तो मैं उनकी तरह अपना जो है नॉमिनेशन आज ओपन सीट से भर दिया है यहाँ पे। तो जो हमसे बन पड़ेगा, कार्य होंगे, हम नगर परिषद के पार्षद बनने के बाद, जीतने के बाद हम अगर नगर परिषद में आए तो जो बचे हुए कार्य हैं, हमारे लंबित कार्य हैं, सारे कारण जो पूर्ण होंगे। वैसे तो 10 वर्षों से श्री मनोरमा लख यहाँ के जो स्थानीय पार्षद थे वार्ड 7 के मनोरमा लखपाल जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत और हिम्मत, सौधर्य, स्नेह और प्रेम के साथ लोगों के साथ बातचीत करी है और हर काम को, कभी किसी को कोई काम के लिए मना नहीं किया है। जब भी उनके पास कोई गया अपने सुख दुख में और उनके काम के लिए, तो उस टाइम मनोरमा लखनपाल जी उसके लिए हाजिर रहे हैं। तो मैं अब चेतन लखनपाल जो है उस उनकी जगह जो है पार्षद ओपन सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उसमें हम लोग जो जितने भी हमारे वार्ड के कार्य लंबित होंगे, सारे कार्यों को संपूर्ण रूप से प्यार से, हौसल से, हिम्मत से और अपने वार्ड नंबर 7 की बुद्धिजीवी वर्ग जितना है, एक एक बुद्धिजीवी वर्ग को साथ लेकर उनसे सहमत और हिम्मत के साथ सारा काम करेंगे। धन्यवाद।